हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा माँ नंदा देवी का मंदिर, जो काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, और साथ में आपको अल्मोड़ा का बाजार भी दिखाऊंगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, अभी है हम एन टी डी मार्केट से हम जा रहे हैं नीचे लिंक रोड को, जो सीधे मिलती है अल्मोड़ा मार्केट पे। जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा इधर का। जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा, एनटीडी से अल्मोड़ा की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर। ये देखिएगा फ्रेंड, इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये पहुँच गए हम अल्मोड़ा जेल के पास। जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा बाहर का लोकेशन। ये देखिएगा, ये है धरनला वाली साइड वाली मार्केट। जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा, इतना अच्छा रहा व्यूज़ यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। ये देखिएगा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। अब हम पहुँचने वाले हैं माँ नंदा देवी मंदिर पे, जो मार्केट के बीचों बीच में है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये पहुँच गए हैं माँ नंदा देवी मंदिर के पास, गेट के पास। ये देखिएगा, जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा, ये है माँ नंदा देवी मंदिर, जो काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था बनाई गई है, जैसा आप देख रहे होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, माँ नंदा देवी का मंदिर, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा मंदिर, और सफाई का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है, जैसा आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है, जो एक हफ्ते तक चलता है। उन दिनों यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी उत्तराखंड का काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है, जिस पे जुर्माना लिखा गया है कि आपको कितना जुर्माना लग सकता है अगर आपने कुछ यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की। अब आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा मार्केट की ओर। ये देखिएगा, जैसा आप देख रहे होंगे, अल्मोड़ा की मार्केट है। ये देखिएगा फ्रेंड, काफ़ी लोग आते हैं इस मार्केट में सामान खरीदने के लिए। ये जैसा आप देख रहे होंगे, ये है हरमाल गली। ये देखिएगा फ्रेंड, ये है लाला बाजार की मार्केट, जो काफ़ी अच्छी मार्केट है, काफ़ी प्रसिद्ध मार्केट अल्मोड़ा बाजार। ये देखिएगा, ये है चौगान पाटा वाली मार्केट एरिया, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये है बस स्टैंड, अल्मोड़ा बस स्टैंड के पास का लोकेशन, केमू स्टेशन है। आप देख रहे होंगे, ये है मिलन चौक। यहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। ये देखिएगा, जैसा आप देख रहे होंगे बोर्ड पे एपन बनाया गया है। यहाँ पे सुमित्रानंद पंत पार्क है, छोटा सा एक पार्क है ऊपर, जहाँ आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये देखिएगा, जो आपको सामने दिख रहा है, ये है पांडे खोला, अल्मोड़ा का पांडे खोला का मार्केट। और सामने जो पहाड़ दिख रहा है, वो है कसार देवी मंदिर। ये देखिए फ्रेंड, काफ़ी अच्छा यहाँ का। फ्रेंड्स, आप जैसे देख रहे हो, नीचे जो टाइल्स लगाए गए हैं, ये कुछ साल पहले ही लगाए गए हैं। इससे पहले यहाँ पे पटाल बिछाए हुए थे, जो पटाल बाज़ार के नाम से फेमस था अल्मोड़ा की मार्केट, जो अब कहीं कहीं पे आपको दिखने को मिलेगी। ये देखिएगा, ये है रैमज इंटर कॉलेज के पास की मार्केट। ये मार्केट काफ़ी लंबी मार्केट है अल्मोड़ा की, काफ़ी एरिया के लोग यहाँ आते हैं, सामान खरीदने आते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ये है मछली मार्केट, जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा मछली मार्केट यहाँ पे है। यहाँ पे चिकन भी आपको अवेलेबल मिलेगा। ये देखिएगा फ्रेंड, जैसा आप देख रहे होंगे, ये है जिलाधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा। ये देखिएगा, और हम नीचे आ गए बस स्टैंड के पास। ये देखिएगा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, काफ़ी अच्छा। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो अल्मोड़ा ज़रूर आइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा यहाँ पे। ये है अल्मोड़ा का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ बैंक मिलेगा यहाँ पे आपको। देखिएगा, ये है बस स्टैंड के सामने। ये चलो फ्रेंड्स, अब निकलते हैं हम अपने घर की ओर। आपको दिखाता हूँ रास्ते का सफ़र, आप
लुप्त उठाएगा इस दृश्य का, देखिएगा काफी अच्छा नजारा यहाँ का, काफी खूबसूरत वादियाँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस करना मत भूलना। ये देखिएगा कितना खूबसूरत नजारा यहाँ का। प्रकृति प्रेमी है या आपको शांति चाहिए तो आप अल्मोड़ा जरूर आइए, आपको यहाँ पे काफी शांति की अनुभूति होगी। इसमें काफी सस्ता प्लेस भी है, काफी कम बजट में यहाँ पे आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ का वातावरण काफी अच्छा, यहाँ घूमने के लिए गर्मी का महीना सबसे अच्छा रहता है, यहाँ पे गर्मी काफी कम पड़ती है कि घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है ये मौसम। ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ का क्लाइमेट काफी सुंदर, काफी नीट एंड क्लीन, जैसा आप देख रहे होंगे ऊंची ऊंची पहाड़ियां और जंगल, बीच में है रोड। ये देखिएगा यहाँ पर ड्राइव करने में भी काफी मजा आता है। ये देखिएगा मैं पहुंच गया हूँ अपने स्टैंड के पास, ये जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा ये आ गया है मेरा स्टैंड, ये देख आप देख सकते हैं, ये देखिएगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।